वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बर्थडे टैग बनाने जा रही हूँ वॉल डेकोरेशन के लिए। तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं या आप मार्केट में जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं फटाफट बहुत इजीली आपके पैसे बचा लूँगी। मात्र 10 रुपये मुझे लग रहा है, हार्डली लगेगा और भी कम लगेगा। तो बस उसके लिए कोई भी आपका फेवरेट कलर का पेपर लीजिए। मैंने पहले डार्क कलर लिया है, इस पर आप ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। तो ये A4 शीट कलर्ड है, जिसको हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये फोल्ड हो गया, पतले झंडी जैसे बनाते हैं उस झंडी के शेप में कुछ ऐसा हमने फोल्ड कर लिया है। तो बस ये फोल्ड करेंगे, तो ये फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे। पूरा A4 शीट जो होती है, A4 साइज़, उसको मैंने तीन इस तरह फ्लैग्स बनाए हैं। तीन फ्लैग बनेंगे मेरे इसमें। तो एक फ्लैग ये, तो ये दो है, एक मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। तो ये ऐसे तीन बनेंगे, तीन फ्लैग्स। और बस कुछ नहीं करना है इसको, ऐसे जैसे आप रिबन को कट करते हो ऐसे आपको रिबन की तरह ये कट करना है। इसका ब्लैक कलर का भी बहुत अच्छा बनता है। ब्लैक कलर आपको नहीं पसंद तो आप इस कलर का बनाएं। ये हो गया, ये ऐसे कट किया। उसके बाद इस पर कोई भी लाइट कलर, क्योंकि नीचे का बेस डार्क है, तो इसके ऊपर कोई भी लाइट कलर, जैसे मैंने ये ऑरेंज लिया हुआ है, आप वाइट ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं। तो इस शेप में जो कि इससे थोड़ा सा पतला हो, ये ऐसा एक पेपर कट करेंगे और इसके ऊपर हमने क्या किया है, इस पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने स्टिक कर दिया। अब हम लेंगे कोई भी अपनी फेवरेट कलर की ग्लिटर शीट और इससे हम अल्फ़ाबेट कट करेंगे। आपको अगर बर्थडे बनाना है, बर्थडे है, तो आप बर्थडे के लिए पूरा कट कर लो, या कुछ भी हैप्पी एनिवर्सरी लिखना है तो वो कट कर लेंगे। वो भी कट करना बहुत ही आसान है। तो उसको कट करके हम क्या करेंगे, इस पर लगा देंगे। उसके बाद ये आया हमारा रिबन, रेड रिबन मेरा फेवरेट कलर, तो हम ये रेड रिबन यूज़ करेंगे, या आप कोई और भी कलर लेके इस पर लगाएंगे। तो पहले हम ग्लिटर शीट से पेपर कुछ कट कट के बताते हैं। तो ये हो गया हमारा, इससे हम कट करेंगे एच। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पेपर कट करती हूँ, मुझे बहुत उसमें कोई हार्डली समय नहीं लगता है। तो बस ये ग्लिटर शीट को ये हमने रोल किया ऐसे, और हमें एच कट करना है। तो ये आधे इंच का अल्फाबेट मार्जिन छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, नीचे का कट हो गया। उसके बाद ये, और ये हमने ऊपर कट कर लिया, ये हमारा तैयार है एच। तो ऐसे आप सारे अल्फ़ाबेट कट करके और इसमें स्टिक कर लो फटाफट। ये मैंने कट किया है एच। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ से फोल्ड करिए। उसके बाद इस पर इस तरीके से कुछ ग्लू लगा के रिबन पे स्टिक करना है सीधा साइड, और ये हमने रिबन पे इस पर विदाउट फोल्ड किए हुए ये हम ऐसे स्टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये सारे अल्फ़ाबेट्स तैयार कर लिए हैं। तो ये है मेरा टैग, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम पैसे में बना है। तो ये मेरा है HAP। और ये अल्फ़ाबेट्स कट करना बहुत आसान है, आपको ये नहीं लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, बहुत जल्दी इजीली कट होते हैं। आप एक बार पेपर पे कट करके भी देख सकते हो, तो बहुत नहीं लगना है टाइम। ये मैंने हैप्पी और पूरा इसी तरीके से हमने, मैंने बर्थडे का भी किया हुआ है, तो ये पूरा बर्थडे का टैग, तो ये पूरा मैंने पूरा टैग हैप्पी बर्थडे का बना लिया है। और जितना वीडियो बना है उससे भी कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसी तरीके से ट्रिकी और क्राफ्टी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।